हाय, वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं एक मिस्ट्री हॉरर मूवी एक्सप्लेन करने वाली हूँ, द होल इन द क्राउन। सो मूवी की शुरुआत में हम सारा और क्रिस ये माँ बेटे को देखते हैं, जहाँ पे दोनों भी आयरलैंड के कंट्री साइड में अपने लाइफ को एक और मौका देने के लिए आए थे। इनके अतीत के बारे में बात करें तो सारा ने अपने पति को छोड़ दिया था क्योंकि वो काफी अब्यूजिव था और इसी डिस्टर्बिंग पास से ये दोनों भी दूर आना चाहते थे। ये दोनों भी अभी एक रेंटेड घर में रह रहे थे जो कि जंगल के आसपास के एरिया में था। अब ये दोनों भी जब घर जा रहे थे तब रास्ते में वो बूढ़ी औरत से टकराते हुए बच जाते हैं। वो औरत अजीब ही तरीके से काले कपड़े पहने हुए रास्ते के बीचों बीच खड़ी थी। उसका नाम नूरीन था। इसी ऑलमोस्ट एक्सीडेंट के चक्कर में सारा के कार का साइड मिरर टूट जाता है। जब वो मिरर उठाने जाती है तो उसे नूरीन काफी अजीब तरीके से खुद से कुछ बातें करते हुए दिखाई देती है। नूरीन अचानक से फिर कार की ओर देखती है और काफी अजीब तरीके से वो क्रिस को देखने लगती है। ये सब कुछ देख के सारा को काफी अजीब लगता है, इसीलिए वो कार में वापस आ जाती है और अपने बेटे क्रिस के साथ वहाँ से निकल जाती है। घर आने के बाद क्रिस को एक अजीब सा स्पाइडर मिलता है जिसे मारने के बजाय उसकी माँ उसे बाहर के जंगल में छोड़ आती है। अब इस बात पे क्रिस काफी गुस्सा हो जाता है। उसे अपने पिता याद आते हैं, वो कहता है कि मेरे पिता यहाँ पे क्यों नहीं है, अगर आज वो यहाँ पे होते तो इस स्पाइडर को मार डालते, और वो उस स्पाइडर को दोस्तों कुचल देता है। दरअसल यहाँ पे क्रिस को अपने पिता अब्यूसिव थे इसके बारे में पता नहीं था, और अभी गुस्से में वो जंगल की ओर दौड़ जाता है और उसे ढूंढने के लिए सारा भी उसके पीछे पीछे चली जाती है। जंगल में अंदर जाने के बाद सारा को एक अजीब सा होल दिखाई देता है। वो काफी डर जाती है और उसमें झांकने लगती है कि कहीं क्रिस इसमें तो गिर नहीं गया। लेकिन जब वो पीछे मुड़ के देखती है तब क्रिस वहाँ पे उसे मिल जाता है। उसे लेके वो घर आती है। रात में सारा ने एक डिनर रखा था अपने क्लोज फ्रेंड्स के लिए। उसी रात डिनर के वक्त सारा की एक दोस्त उसे ये बताती है कि नूरीन का बेटा जेम्स और वो खुद बचपन में एक साथ पढ़ा करते थे। आगे वो दोस्त कहती है कि नूरीन एक दिन अचानक से उनके क्लास में घुस आई थी और उसने काफी हंगामा किया था जिसके कारण बाकी के बच्चे डर गए थे। नूरीन को प्रिंसिपल के ऑफिस में लेके गए और बाद में वहाँ पे पुलिस भी आ गई थी। लेकिन इसी घटना के कारण बेचारे जेम्स को स्कूल से निकाल दिया गया। लेकिन उसके कुछ ही महीनों के बाद नूरीन के पागल बर्ताव के कारण उसी के हाथों जेम्स का खून हो गया। उसने अपनी गाड़ी जेम्स पे चला दी थी। अब इनका डिनर खत्म होने के बाद सारा रात को सोने जाती है और उसे अचानक रात में कुछ आवाजें सुनाई देती है। वो देखती है कि घर का दरवाजा खुला था। उसे लगने लगता है क्रिस गुस्से में घर से निकल गया है। सारा सामने की जंगल में क्रिस को ढूंढने के लिए जाती है, लेकिन उसे क्रिस वहाँ पे नहीं मिलता। जब वो घर आके पुलिस को ये सारी खबर बता ही रही होती है तभी उसके पीछे क्रिस खड़ा रहता है। वो उसे वापस बेड में टक्ड इन करती है। लेकिन इन सारे घटनाओं के कारण सारा के मेंटल हेल्थ पे काफी असर हो रहा था। उसे बार बार घबराहट यानी एंजाइटी हो रही थी, इसलिए अगले दिन वो डॉक्टर से एंजाइटी की मेडिकेशन लेती है। थोड़ी देर के बाद सारा क्रिस को जब घर ला रही थी उसे रास्ते में वापस नूरीन खड़ी मिलती है और तभी वो नूरीन के हस्बैंड डेस से भी मिलती है। सारा जब डेस से बात ही कर रही होती है तब नूरीन कार के पास आकर क्रिस को देखने लगती है और उसे कहती है कि क्रिस सारा का बेटा नहीं है, और वो काफी अजीब तरीके से अपना सर कार के विंडो पे पटकने लगती है जिससे काफी खून आने लगता है। लेकिन तभी टेस उसे देख लेता है और संभाल लेता है। सारा भी काफी डरी हुई थी इसीलिए क्रिस को लेके वहाँ से निकल जाती है। अगले दिन सारा नूरीन और डेस के घर जाती है, लेकिन उसे उनके घर के बाहर काफी अजीब तरीके से मरा हुआ नूरीन का शव मिलता है। नूरीन को किसी ने काफी बुरी तरीके से मार डाला था। अब अगले दिन वो नूरीन का फ्यूनरल अटेंड करने के लिए जाती है तब उसे उसके घर में काफी सारे मिरर मिलते हैं और वो अजीब तरीके से काले कपड़े से ढके हुए थे। ये देख डेस सारा को बताते हैं नूरीन का मानना था कि उनका बेटा जेम्स एक इम्पोस्टर था यानी एक बहरूपिया। उसका मानना था कि वो उसका बेटा नहीं है और ये बात नूरीन जेम्स के रिफ्लेक्शन को देख के बता सकती थी, लेकिन ये बिलीव आगे जाके उसकी एक आदत बन गई और वो जेम्स को अपना बेटा मानती ही नहीं थी। सारा आगे जेम्स के बारे में पूछती कि उसका क्या हुआ तो डेस कहता है कि वो मेरे कार से टकराने के कारण मारा गया, जिससे सारा काफी कंफ्यूज हो जाती है क्योंकि उसके दोस्त ने तो कहा था कि नूरी के कारण उसका एक्सीडेंट हुआ था। खैर यहाँ पे दिन बीतते जाते हैं और धीरे धीरे सारा क्रिस के बर्ताव में भी काफी चेंजेस देखती है, जैसे कि वो बार बार सारा पे गुस्सा करने लगा था। जो खाना उसे पसंद नहीं था जैसे कि स्पेगेटी, वो अचानक से उसे काफी चाव से खाने लगा था। अब एक दिन ऐसे ही जॉगिंग करते वक्त जंगल में सारा को क्रिस का एक टॉय मिलता है। वो घर आके क्रिस को डांटती है कि मेरे मना करने के बावजूद तुम जंगल क्यों जा रहे हो। अब इस बात से क्रिस इतना गुस्सा हो जाता है कि सीधा डिनर टेबल अपने माँ की ओर ढकेल देता है। ना ये चीज बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंज थी क्योंकि वो टेबल बहुत ही हेवी था और क्रिस जैसा छोटा बच्चा इस टेबल को इतने आसानी से नहीं ढकेल सकता। उसी रात सारा एक और चीज नोटिस करती है। रात में क्रिस अपने रूम के आसपास स्पाइडर थे वो पकड़ के खा रहा था। इतना ही नहीं, क्रिस का शरीर भी काफी अजीब तरह से मुड़ा हुआ था जिसे देख सारा काफी डर जाती है। अगले दिन वो उसे डॉक्टर के पास लेके जाती है, लेकिन क्रिस
की हेल्थ काफी नॉर्मल थी, लेकिन क्रिस के साथ जो हो रहा था उसे सारा अनदेखा नहीं कर सकती थी। एक शाम वो क्रिस से बात करने के लिए जाती है, लेकिन क्रिस अचानक से उसके सर पे लगे जख्म को छूने लगता है और उस कार को ओपन कर देता है और इसे डर से सारा नींद से उठ जाती है। वो दरअसल एक सपना था। उसी दिन सारा क्रिस के स्कूल में फंक्शन में जाती है और वो देखती है अचानक से क्रिस का ध्यान उसी की तरफ है और उसका आवाज बहुत ही अजीब होने लगता है। उसका ये इंटेंस रूप देख के वो काफी डर जाती है और रूम से भागने लगती है। और बाद में क्रिस के टीचर क्रिस को सारा के पास लेके आते हैं। क्रिस के लिए सारा का शक और भी बढ़ने लगता है, इसीलिए वो क्रिस के रूम में एक कैमरा छुपाती है। अगले दिन वो कैमरे की रिकॉर्डिंग देखती है और उसे मानो रियलाइज होने लगता है कि क्रिस उसका असली बेटा नहीं है। अब सारा के पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसीलिए वो कैमरा लेके डेस्क के पास चली जाती है और उसे सारी हकीकत बताती है। लेकिन डेस्क को इन सारे मामले में पड़ना नहीं था, इसीलिए वो गुस्से में उसका कैमरा तोड़ देता है। घर आने के बाद वो क्रिस का टेस्ट लेने लगती है और दोनों का भी एक फेवरेट गेम खेलने लगती है, जिसमें वो 3 तक गिनती थी और उसके बाद दोनों भी अजीब शक्ल बनाते थे। लेकिन जब आज वो 3 तक गिनती है तब क्रिस पूरी तरीके से ब्लैंक था और उसी की तरफ देख रहा था, मानो उसे वो गेम याद ही नहीं है। अब सारा परेशान होकर उसे कन्फ्रंट करती है कि तुम जो भी हो मेरे बेटे नहीं हो। और फिर क्रिस में मानो एक शक्ति आ जाती है और वो अपने माँ को किचन में पटक पटक के मारने लगता है। और यहाँ पे हमें पता चल जाता है कि ये क्रिस नहीं है, कोई अजीब सी सुपर नेचुरल एंटिटी है, क्योंकि क्रिस एक बच्चा था और इतनी बुरी हैवानियत से वो अपने माँ को नहीं मार सकता था। यहाँ पे सारा अपने इंजरीज के कारण बहुत ही बीमार हो जाती है। जब उसको होश आता है तब अपने घर के बाहर वो जमीन पे पड़ी हुई थी। वो देखे कि क्रिस अजीब से जमीन में होल बना रहा है। उसके बाद क्रिस यानी वो एंटिटी सारा को खींच कर लेके जाता है और वो अधमरे हालत में सारा का सर जमीन में गाड़ देता है। यानी यहाँ पे रिवील होता है कि नूरीन को शायद जिसने मारा था वो भी यही सुपरनैचुरल एंटिटी थी, क्योंकि नूरीन का मर्डर भी बिल्कुल इसी तरह हुआ था। और इस सुपरनैचुरल एंटिटी ने नूरीन को इसीलिए मारा था क्योंकि नूरीन उसे देखकर जान गई थी कि ये असली क्रिस नहीं है और ये कोई सुपरनैचुरल एंटिटी है। अब बैक टू स्टोरी, सारा को जमीन में दफनाने के बाद क्रिस बेहोश हो जाते हैं क्योंकि सारा ने उसे पहले नींद की गोली दी थी। इसी बीच में सारा कैसे तैसे खुद को बचा के जमीन के बाहर आती है और वो बेहोश क्रिस को अपने घर के बेसमेंट में लेके आती है और अपने कार के टूटे हुए मिरर से क्रिस का वो रिफ्लेक्शन देखती है। तब उसे उसमें एक डेमोनिक मॉन्स्टर जैसा क्रीचर दिखाई देता है, लेकिन वो एंटिटी सारा के ऊपर भारी पड़ता है और उस पे वापस अटैक करने लगता है। लेकिन कैसे तैसे सारा उसे अपने बेसमेंट में बंद करके बाहर आती है और जंगल में उसी बड़े से होल की तरफ जाती है। होल से अंदर जाने के बाद उसे एक अजीब ही अंडरग्राउंड टनल दिखाई देता है और थोड़ी देर के बाद वहां पे उसे रियल क्रिस मिल जाता है जो कि बेहोशी के हालत में था। सारा क्रिस को लेके उस टनल से बाहर निकलने लगती है, लेकिन सभी टनल में काफी सारे वैसे ही डेमोनिक मॉन्स्टर थे, वो उसके ऊपर हमला करने आते हैं। आसपास काफी सारे लोगों के कंकाल पड़े हुए थे। अब कैसे तैसे भागते हुए वो दोनों भी टनल के आखिरी तक पहुंच जाते हैं, लेकिन तभी एक मॉन्स्टर सारा का हाथ पकड़ लेता है। सारा अपने टॉर्चर से उस मॉन्स्टर को मारने लगती है, लेकिन देखते ही देखते वो मॉन्स्टर पूरा सारा की तरह दिखने लगता है अचानक से। लेकिन कैसे तैसे बचते हुए सारा और क्रिस उस टनल से बाहर आते हैं और भागते हुए अपने घर आके वो कार की कीज लेती है और जाते वक्त घर को पूरा आग लगा देती है जिसमें वो एंटिटी थी, और वो क्रिस को लेके वहां से भाग जाती है। अब कुछ दिनों के बाद हम सारा और क्रिस को वापस देखते हैं, जहां पे सारा अब सिटी साइड में शिफ्ट हो गई थी। उनकी लाइफ काफी अच्छी चल रही थी और एक नए घर में लोग शिफ्ट हो गए थे। अब एक दिन क्रिस जब नीचे खेल रहा था तब सारा चुपके से अपने घर की खिड़की से क्रिस की फोटो खींचती है, लेकिन जब उसके फोटो देखती है तब क्रिस का फेस ब्लर था। और तो और यहाँ पे सारा के घर में चारों तरफ मिरर्स लगे हुए थे और मूवी एक क्वेश्चन के साथ खत्म हो जाती है कि क्या वो सुपरनैचुरल एंटिटी अभी भी क्रिस के आसपास पंडरा रही है या नहीं, आखिरी में वो फोटो ब्लर क्यों था। अब बात करते हैं कि एग्जैक्टली इसके एंडिंग में हुआ क्या, क्या अभी भी क्रिस के बजाय वही एंटिटी सारा के साथ रह रही है। सो आंसर इज नो, उसका फोटो ब्लर आना ये एक इत्तेफाक था, लेकिन रियल में वो सुपरनैचुरल एंटिटी उसके साथ नहीं थी। और इसके कई सारे साइन मूवी के एंड में बताए गए हैं, क्योंकि मूवी के आखिरी में क्रिस काफी ओपन दिखाया गया है, काफी खेल रहा है, वेयर एज जब वो एंटिटी उसके साथ थी तब वो काफी गुस्से में रहता था हर बार। सिवाय सारा ने घर में काफी सारे मिरर्स लगाए हुए थे ताकि वो उस एंटिटी को देख पाए, लेकिन उसे कोई भी मिरर में वैसी एंटिटी नहीं दिखाई दी। लेकिन सारा के मन में शक अभी भी था क्योंकि वो डिप्रेस थी अपने पास्ट रिलेशन के कारण। उसके पास जो भी विलेज में हुआ इसके कारण उसे बहुत ही बड़ा सदमा पहुंचा था और वो सारे प्रिकॉशंस ले रही थी ये देखने के लिए कि वो एंटिटी अभी भी उसके आसपास है या नहीं। अब बात करते हैं कि वो एंटिटी एग्जैक्टली क्या थी। वो एंटिटी दरअसल एक चेंजलिंग था। ये ह्यूमन लाइक क्रिएचर्स होते हैं जो कि यूरोप के फोल्क रीजन में पाए जाते हैं। पहले के जमाने में चेंजलिंग को फेरी की तरह माना जाता था, लेकिन आयरलैंड के जो अर्बन लेजेंड्स की कहानियां हैं उसमें चेंजलिंग को डेंजरस माना जाता है, जो कि बच्चों पे फीड कर
करते हैं। मूवी में भी ये चेंजलिंग क्रिस की जगह लेके उसके लाइफ जीने लगता है। तो दूसरी जगह पे क्रिस और उसके जैसे काफी सारे बच्चे उस टनल में मरने लगते हैं। उस टनल में और भी काफी सारे मॉन्स्टर्स यानी वो चेंजलिंग थे, यानी कि इस टाउन में काफी समय से ये चेंजलिंग रह रहे थे। नूरिन के बेटे जेम्स के साथ भी यही हुआ था। ये सारे चेंजलिंग और क्रीचर्स उसी गांव में उसी टनल के अंदर रहते थे, और यही दूसरा कारण है जो मुझे लगता है आखिरी में क्रिस चेंजलिंग नहीं है, वो असल में क्रिस है, क्योंकि चेंजलिंग का पूरा प्लेस उस गांव में था और वहां के ही बच्चे और इंसानों को वो अपना शिकार बनाते थे। क्योंकि टनल में हमने देखा वो आसानी से सारा का हाथ पकड़ के पूरी तरीके से उसका बहरूपिया बन जाता है। मूवी की और एक ऐसी फैन बेस सीरीज है जहाँ पे लोगों का मानना है कि ये जो मॉन्स्टर या क्रीचर है वो दरअसल एलियन है, एक बाहर का ऐसा क्रीचर जो अर्थ पे आया है। वेल, आपको क्या लगता है इन दोनों थ्योरीज के बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।